हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल, स्वस्थ और मस्त होंगे। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी फ्रेंड्स न्यू आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, बिल्कुल फ्री है, कुछ पैसा नहीं लगता है यार, प्लीज़ कर दीजिएगा। जो भी न्यू आते हैं, और यहाँ पे देखिए, मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे मेरे टाकी का जो ढक्कन है ना, सरक गया था। इसके वजह से सुबह जो पानी भर के पूरा 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 मेरे कपाट के ऊपर नीचे तक पूरा, नीचे का तो मैंने पोछ पास दिया है, लेकिन आगे का जो काम बढ़ गया। यहाँ पे देखिए, सब्जी मैंने कट कर लिया है, यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया है, नीम का पत्ता डाल के मैंने पानी गर्म किया है, क्योंकि वहाँ से मेरे एक जगह पेड़ कटा था, वहाँ से नीम का पत्ता बहुत ज़्यादा लेके आए थे मेरे महाराज, तो हम बोले चलो नहा ही लेते हैं डाल डाल कर, तो हम थोड़ा थोड़ा करके डाल के गर्म पानी कर दूँ, मैं नहा लूँगी, फिर बच्चों को गर्म कर दूँगी, तो सब लोग इसी तरह नहा लेंगे। और ये वीडियो दो दिन का व्लॉग है, ये 15 तारीख का है और ये 16 तारीख का है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पतिदेव क्या देख रहे हैं, ये मोदी जी को देख रहे हैं। और बने रहिएगा फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड, आप लोग टाइटल देख के सोच रहे होंगे कि क्यों इमोशनल हो गए पतिदेव मेरे, क्या बात थी, तो आगे आपको पता चलेगा, बने रहिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, मैं सब पूरी कपाट खाली कर रही हूँ, पूरा कपाट हटाना है, पूरा कपाट सरका कर नीचे पोछना है, इतना काम बढ़ गया था। मैं बच्चों के ऊपर भी गुस्सा कर रही थी, ये लोग भी बहुत परेशान कर रहे थे इस वजह से, तो पूरा अभी कपाट जो देख रहे हैं ना, इस बाजू से भी दूसरे बाजू होगा। मेरे घर में जो सामान है ना, वो लोग भी सोच रहे हैं मैं किसके हाथों लग गया हूँ, ये लोग हमेशा सरकाते हटाते ही रहते हैं, बट क्या करें फ्रेंड्स, नसीब में जो है तो होगा ही। तो यहाँ पर देखिए, थोड़े पेपर भीग गए थे, बट कोई नहीं, क्या करें, थोड़े पेपर और थोड़े कपड़े, मेरे साड़ी वगैरह थे सब भीग गए थे थोड़े थोड़े, तो जो भीगे हुए थे एक साइड करूँगी और बाकी सब एक साइड। यहाँ पे देखिए, मैं आपको पानी दिखा रही हूँ कपाट के नीचे, अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी आप लोग देख रहे होंगे, तो अभी कपाट को ही पूरा वहाँ से हटा दिया जाएगा, हटाकर एक साइड कर दिया जाएगा, फिर पोछा लगा कर दिया जाएगा, ये पानी की वजह से। यहाँ पे देखिए, पतिदेव देख रहे थे, ये मेरे बड़े बेटे का सब पेपर से जो लॉकडाउन में एग्ज़ाम घर पर हुआ था ना, वही सब है, तो वही सब रख रहे हैं, देख रहे हैं, जो गीला है एक साइड रख दे रहे हैं, जो सूखा है कपाट में रख दूंगी, बाकी सब फैला देती हूँ, पंखा चालू है सूख जाएगा, क्या करें, तो दिमाग ख़राब हो गया है, परेशान हो गई हूँ। जो भी ये देखिए, मेरे थायराइड का रिपोर्ट जो फर्स्ट टाइम का निकाले थे, सेकेंड टाइम का सॉरी, तो सबका रखा हुआ है, डॉक्टर का कभी ज़रूरत लगती है तो दिखाना पड़ता है फ्रेंड्स सब, तो ज़्यादा पेपर ज़्यादा क्या थे, यही सब हॉस्पिटल डॉक्टर का यही सब था। और यहाँ पे सब एक साइड हो गया, जो भी कपड़े थे मैं देखी यहाँ पे सब डाल दी, सूख रहा है, और वहाँ से अपना कपड़े प्रेस करेंगे और मैं अपना काम करूँगी, क्योंकि टाइम नहीं था, अब ज़्यादातर वही कपड़े प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कपाट ना इस बाजू हो गया है, थोड़ा मुझे आईना जो है ना फ्रेंड्स, उसका कांच मिरर जो देखने के लिए रहता था सामने, ऐसा सामने फेस टू फेस रहता था, बट अभी इस साइड से ऐसा हो गया है ना, नहीं जमता है, लेकिन क्या करें, बट कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता था। मैं तो परेशान हो गई, इतने बर्तन देख के, सुबह से एक भी बर्तन नहीं धुले थे, इसी सब में लगा हुआ था काम में, हम लोग तो यही सब है। यहाँ पे चावल बचा है, चावल है तो दाल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी और सलाद बनाऊंगी, अचार है, घी है, सब अपना खा लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, वैसे इतनी थकावट हो गई थी, पूछिए ही मत फ्रेंड्स। से हाय हाय कैसी लग रही है मायरा, जरूर बताना। मैंने इसको बाल बनाए, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे जेला लगा के अच्छी लग रही है ना, कैसी लग रही है मायरा, मेरी मायरा का प्रिंसेस लग रही है, प्रिंसेस कैसी, प्रिंसेस लग रही है मायरा, आई एम प्रिंसेस तो फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ क्यों इमोशनल हो गए थे पतिदेव, ये फिल्म आरआर देख के मेरे पतिदेव इमोशनल हो गए थे और ये मुँह छुपा रहे थे, हम लोग इनको पकड़ लिए चोरी इनकी, तो ये अभी बिस्तर लगाने लगे नीचे मुंडी करके, हम लोग ये देखिए बहुत हंसे, हम लोग बहुत हंसे और ये भी खुद हंसे, सभी इमोशनल हो जाते हैं, बट इनकी हमेशा की चोरी पकड़ी जाती है, कोई वैसा फिल्म रहता है ना तो ये इनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, हम लोग बहुत इनका खूब मज़ा लिए थे फ्रेंड्स। यहाँ देखिए मुंबई में इतनी बारिश हो रही है,
आप लोग बाहर देख ही सकते, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। लाइट चली गई थी, आई है वापस, एक बार कई बार होता है। बारिश हो रही है तो लाइट का भरोसा नहीं है, अभी देखते हैं कट जाएगी तो फिर 5-6 घंटे भी नहीं आएगी, आधे घंटे में आ जाती है, तो देखते हैं। और मेरे मासा का एक बार फ़ोन आया, नहीं उठाई, कट गया, बार बार फिर फ़ोन ही लगा रही हूँ, उठा भी नहीं रहे, और पता नहीं क्या, बहुत टेंशन हो रहा है मुझे। ऐसा तो कभी नहीं करते हैं, फ़ोन करो तो रिसीव कर लेते, ऐसी कोई बात भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। एक तो ना ये बारिश से ना मैं एकदम पगला गई हूँ, इतना मुंबई में भगवान इतना प्रसन्न हो गए हैं कि मुंबई में बाढ़ आ जा रही है, और तो कहीं भगवान को बरसना नहीं है, जहाँ बरसना है वहाँ नहीं जा रहे हैं, मुंबई में ही बाढ़ आ जाएगी। बच्चों को खाना है पॉपकॉर्न, 4 बजने वाले हैं, कब से परेशान कर रहे हैं ये लोग भी, इन लोगों को भी आज दिमाग ख़राब है मेरा, एकदम पगलवा लिए मेरे बच्चे। मैं इन लोगों को पॉपकॉर्न बना के दे दूँ, सोच रही हूँ। सबसे ज़्यादा टेंशन महाराज मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो इतनी बारिश हो रही है ना मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बाहर है तो दिमाग ख़राब हो गया है। तो पॉपकॉर्न बना लेती हूँ, मिलती हूँ फ्रेंड्स। आ गए हैं महाशय जी, पानी भर गया, यहाँ देखिए पानी भर गया, पानी हमारे यहाँ भरता है। अब इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही है कि भर जाएगा, उसको दिखाती हूँ, देखिए आप लोग देख रहे हैं ना, अगर ऐसे बारिश हुआ तो घर में भी पानी आता है हमारे। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है, भगवान जी बस करो बस करो, कितना बरसेंगे आप। ये तो हमारा पीछे साइड है इसलिए कम दिख रहा है, साइड तो पूरा डूब गया होगा क्योंकि रोड पे पूरा पानी भर गया होगा, और यहाँ पे भी, क्योंकि जब यहाँ इतना पानी आता है ना तो रोड पे भर जाता है, और आगे साइड जो सोसाइटी है मेन गेट वहाँ पे भी। अभी पीछे साइड तो नहीं गया है पानी, वहाँ नहीं भरा है, बस हमारे इधर तक तो भरा है। अभी ऐसे ही रहा तो बहुत टेंशन हो रही है। किसी का बोट क्या तुम लोग ही बना बना के फेंक रहे हो? अरे देखिए मेरे महाशय टब खरीद के लाए हैं, और इसमें सब्जियां बोए हैं, वो कौन सी सब्जी तो अलग ही है, यहाँ बाढ़ आ रही है सब्जी बो लगा रहे हैं। अरे क्या बोलूँ, धूप आ जा।